तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ लेट के यूजेस, जैसे कि लेट मी वाले कुछ सेंटेंसेस मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। अगर मी के जगह पे हिम लगाए तो उसे करने दो। सेंटेंस है जैसे कि लेट हिम थिंक, उसे सोचने दो या फिर उन्हें सोचने दो, दोनों ही सही है, ठीक है, उसे सोचने दो या उन्हें सोचने दो। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो या उन्हें कोशिश करने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो या फिर उन्हें पढ़ने दो। अब हिम तो एक आदमी के लिए है, अगर बहुत सारे आदमी हैं तो लगाएंगे देम, तो लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। अब यहाँ पे उन्हें एक नहीं है, बहुत सारे हैं, दो या दो से अधिक, तो लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। लेट देम स्टडी, उन्हें पढ़ने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो। तो दो या दो से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उसके लिए देम लगाएंगे, नहीं तो हिम लगाएंगे। लड़की है अगर, एक लड़की, तो उसके लिए हर लगाएंगे, जैसे कि लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, ये लड़की के लिए है। अगर लड़का होगा तो लेट हिम स्लीप। बहुत सारी लड़कियां होंगी तो गर्ल्स लगाएंगे, जैसे लेट द गर्ल्स प्ले, लड़कियों को खेलने दो। डोंट लेट का मतलब मत करने दो। सेंटेंसेस जैसे कि डोंट लेट हिम गो, उन्हें मत जाने दो या उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। डोंट लेट हिम स्लीप, उसे मत सोने दो। अगर लड़की है तो डोंट लेट हर स्लीप। एक बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। लेट हिम टेल यू समथिंग, उसे तुम्हें कुछ बताने दो या फिर वह तुम्हें कुछ बताएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। लेट अस इन्जॉय, चलो इन्जॉय करते हैं या खुशियाँ मनाते हैं, तो लेट अस इन्जॉय का यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।